हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विजयदशमी पर आरएसएस ने निकाला पथ संचालन। कोरोना के चलते करीब 2 वर्ष बाद पहली बार गणवेश में हुआ कार्यक्रम। विजयदशमी के उपलक्ष्य में शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाड़मेर शहर में घोष का पथ संचालन निकाला। संघ की स्थापना वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन ही हुई थी। ऐसे में संघ की ओर से इस दिन विशेष आयोजन होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आयोजन पथ संचालन होता है। कोरोना महामारी के कारण बीते करीब 2 वर्ष से पथ संचालन सहित अन्य आयोजन बंद थे। ऐसे में विजयदशमी पर बाड़मेर शहर में निकाले गए संचालन का आमजन ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पथ संचालन आचार्य का चौक से सुबह 9:45 पर प्रारंभ हुआ। इससे पहले यहां पर संघ के जोधपुर प्रांत प्रचारक योगेंद्र कुमार ने शस्त्र पूजन किया एवं स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन किया। प्रार्थना के पश्चात संचालन प्रारंभ होकर ठाणी बाजार, प्रताप जी की प्रोल, कल्याणपुरा, सुभाष चौक, अहिंसा सर्कल, स्टेशन रोड, पुलिस थाना कोतवाली, गांधी चौक, सरदार पटेल मार्ग, तन सिंह सर्कल, 5 बत्ती सर्कल, माहेश्वरी चौक होते हुए मधुकर भवन संघ कार्यालय पहुंच संपन्न हुआ। इस दौरान संघ के जिला सह संचालक मनोहर लाल बंसल, नगर संघ चालक सुरेंद्र मेहता, जिला प्रचारक तरुण कुमार सहित कई वरिष्ठ स्वयं सेवकों ने मार्गों में पथ संचालन में शामिल घोष वादकों का उत्साह वर्धन किया। 3 पदक हुए सम्मिलित। विजयदशमी पर संघ की ओर से बड़ा पथ संचालन निकाला जाता है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए इस बार समिति संख्या का केवल घोष का पथ संचालन निकाला गया। संचालन में वंशी एवं शंखा पदक के रूप में 2 पदक सम्मिलित थे। सर्वप्रथम वंशी दल था, मध्य में ध्वज वाहिनी एवं अंत में शंख दल था। सबसे पीछे शस्त्रों से सजा वाहन चल रहा था। आम जन ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। लंबी अवधि के बाद बाड़मेर में हुए पथ संचालन को देखने के लिए लोगों में उत्साह दिखा। जिस भी मार्ग से संचालन निकला, वहां लोग घरों से बाहर आ गए। संचालन का मार्गों पर आम जन ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके साथ ही भारत माता की जय के जयकारे लगाकर स्वयं सेवकों का हौसला बढ़ाया। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।